हिसार, आसी और आदमपुर, यहाँ लगता है कि चौधरी रणजीत सिंह जी और तीन जो बचे हुए हल्के हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है, बहुत कम है। लेकिन बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो किसी भी सूरत में हिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी उस वोट बैंक को अगर वो जाएगा वहाँ पे, तो फिर चोई साहब काफ़ी फायदा मजबूत। उनको मिलेगा हरियाणा उसमें। की सबसे रोचक सीट हिसार लोकसभा, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला देवीलाल के बेटे वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जेपी, जो पहले भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। दोनों के बीच किस तरह का मुकाबला है? सभी 9 विधानसभा जो हिसार पार्लियामेंट्री में आती हैं उनका सिलसिले वाइज विश्लेषण करेंगे, पड़ताल करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर पत्रकार भाई धर्मेंद्र कुमारी, तो पूछेंगे कि कौन भारी है, कहाँ कौन हल्का है, कौन मजबूत है और कौन आज के दिन एज में चल रहा है। जी धर्मेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार। रणजीत सिंह चौटाला एकदम निर्दलीय थे, बीजेपी में आए, आते ही टिकट दिया और शुरू में नाराज थे, कुलदीप बिश्नोई भी, आपका कैप्टन अभिमन्यु भी, लेकिन आज के दिन अब उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया है। सारे लोग उन्होंने जी जान से उनके साथ जुड़ गए हैं और उधर से जो बीरेंद्र सिंह की नाराजगी है, खुलकर वो आजकल जेपी के साथ नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है आकलन आपको, हिसार में क्या रहने वाला है? देखो, इशार में एक हल्का है हंसी, और अस्सी के बारे में कहते हैं कि अस्सी में फांसी हो जाती है तो अस्सी हिसार, ये दो ऐसे हलके हैं जो जीत और हार तय करने वाले हैं बिल्कुल। हिसार लोकसभा चुनाव में। और इन दोनों ही हलकों में जो पंजाबी कम्युनिटी के और जो दूसरी अदर कास्ट के जो वोट हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह जी काफ़ी मजबूत वहाँ पे हैं। जी इसके अलावा आदमपुर में जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने अपने गोडे डाल के वोट मांगे हैं, वो फैक्टर अलग है। कैप्टन अभिमन्यु जी देर से आए, रुस्से मने, पर कैप्टन अभिमन्यु ने पूरा दम लगा रखा है वहाँ जी पे। उचाणा में जयप्रकाश को उम्मीद थी कि बीरेंद्र सिंह जी को मना लेंगे, लेकिन मुझे वहाँ पे जो बीरेंद्र जी के जो वर्कर्स हैं जी उनमें मैंने एक गहरी उदासीनता देखी है। उस हिसाब से देखें तो रोचक है। इसके बावजूद आप जयप्रकाश को वहाँ पे खारिज नहीं कर सकते। जी जयप्रकाश जी ने गांव में एक बहुत बड़ा अपना बेस बनाया है, गांव में उनके अच्छे वोटर हैं, बिल्कुल। और अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक दो बार और लाने में कामयाब होते हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अब टिकटार्थियों की अगर बात करें कि इस चुनाव को टिकटार्थी उठा रहे हैं, तो जी कई जगहों पे जयप्रकाश जी हल्के पड़ रहे हैं जहाँ पे टिकटार्थी कम हैं। जी जैसे नारनौंद है, वहाँ केवल जस्सी दिखाई दे रहा है, तो जस्सी को देखें तो फिर एक एक आदमी से बात नहीं बननी। बिल्कुल। तो ओवरऑल मिलाएं तो आज के दिन रणजीत जी थोड़ी एज पे दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तो 3-4 दिन पड़े हैं। ठीक है, एक एक हल्के वाइज बात करेंगे। सबसे पहले माधमपुर को ही लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई पहले नाराज थे, उनके पिताजी पर टिप्पणी हुई, उनको टिकट नहीं दिया, नाराजगी थी, फिर मनाए, रैली में आए। अब आदमपुर से क्या लगता है कि कितने के मार्जिन वो बीजेपी को दिला पाएंगे? आदमपुर से तो ये कुलदीप बिश्नोई बता पाएगा ये इसके सवाल का जवाब, लेकिन आदमपुर में मुकाबला है और मुझे लगता है कि वो 15,000 से उपचुनाव जीते थे। 10,000 के आसपास कोई सा भी कैंडिडेट वहाँ पे या जीतेगा या हारेगा। ठीक है, और उसके बाद नलवा, नलवा बहुत सारा जो बिश्नोई शहरी, वोट बैंक भी उधर है, शहरी वोट बैंक भी है। नलवा में भी हार जीत का मार्जिन 5-10 हज़ार रुपये कौन टिका सी हुआ है। एज में लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे लग रहा है बीजेपी एज में, बीजेपी एज में है। वहाँ से विधानसभा उपाध्यक्ष में रणबीर गंगवा, वो भी जोर लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भवानी खेड़ा है। ये जो पूरा देखो हिसार पार्लियामेंट्री है ना, भवानी खेड़ा भिवानी जिले में आता है। मैं भवानी खेड़ा का, मेरी ससुराल भी वहीं आती है, मेरी राजधानी है वहाँ पे मुढ़ाला। ठीक है, तो वहाँ पे दो तरह का वोट बैंक है प्रमुख तौर पे, एक राजपूत और एक जाट। जाट वोट बैंक जाता दिखाई दे रहा है जेपी को। जयप्रकाश के जी को, और राजपूत वोट बैंक और ओबीसी का एक बड़ा सेगमेंट जाता दिखाई दे रहा है रणजीत जी को। अगर ये दोनों मिला के आप देखो तो ये एक बड़ा सेगमेंट बनते हैं। रामकिशन फौजी को यही सेगमेंट आ रहता है चुनाव, बिल्कुल। और जाटों गांव में तो वो जीत के निकलते हैं, तो वहां भी मुझे लगता है 5-10 हज़ार से रणजीत जी जीत जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि राजपूत समाज एकजुट होके वोट डालता है तो भी क्या? राजपूत समाज एकजुट नहीं है बीजेपी के साथ, बहुत जगह पे उनका विरोध है, उदासीन है। रुमाला जी की टिकट नहीं काटी उन्होंने, राजपूत समाज की मीटिंगें हो रही हैं बीजेपी को वोट ना देने की। लेकिन कई बार क्या होता है, कैंडिडेट देख के भी आदमी वोट देता है, रणजीत जी उनको उनको मना लेंगे। मैंने कई लोगों को जानता हूँ जिनको रणजीत जी ने सेट किया है, वो वोट दिलवा रहे हैं। और मेरे ना एक बहुत ही सीनियर नेता से बात हुई, और कई बार हरियाणा में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे,
और उन्होंने ये कहा क्या कि नाम भी मैं कौन से थे बताऊंगा फिर मैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो पंचायतें होती है ना, ये पंचायतें वीरेंद्र सिंह जी की बात कर तो बोला कि मैं नाम ना डिस्क्लोज करवाओ, बोले ये पंचायती होती हैं, ये आप समझ सकते हो क्यों करवाता है, कैसी होती हैं, सब चीज़ें अलग तरह की हैं, ये कोई प्रभाव नहीं डालती इस तरह का। तो ये जैसे आप कह रहे थे ना रूपाला वाला मामला है ये, तो ये मुझे नहीं लगता। चलो अपनी अपनी पॉलिटिकल सोच है, उसमें तो क्या कर सकते। ठीक है, हिसार है, सबकी नजरें हैं कि वहां से रणजीत चौटाला कितना मार्जिन ले पाए, भारी लीड लेंगे वो, मुझे लगता है 40,000 की लीड भी ले ले कोई बड़ी। ठीक है, और पिछले चुनाव में जैसे हम देखते रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जब चुनाव लड़ते थे हांसी से भी बड़ी लीड लेकर निकलते थे, वहाँ भी जो बीजेपी का वोट बैंक है, सैनी समुदाय है, नायब सैनी सी दो तरह के हैं। हाँ, हांसी में भी यही है, शहरी और ग्रामीण। हाँ, हांसी में जाट समुदाय का व्यक्ति विधायक नहीं चुना जाता सबसे ज्यादा मतदाता होने के बावजूद, क्योंकि जाट खड़े हो जाते हैं दो और एक आता है पंजाबी, तो वो पंजाबी जीत जाता है उसमें। लेकिन इस बार तो चोई साहब को दोनों का ही फायदा मिल रहा है, जाटों में भी चोई साहब का आधार है वहाँ पे और पंजाबी तो फिर बड़ा हिस्सा जा ही रहा है बीजेपी का, तो हांसी भी लीड देगा, अच्छी लीड देगा उनको। ठीक है, एग्जैक्टली तो फिगर मैं बता नहीं सकता हांसी का, पर हांसी आज के दिन रणजीत जी को लीड देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बरवाड़ा पे आते हैं, बरवाड़ा का क्या लग रहा है? बरवाड़ा में जो जोगीराम सिहाग जी हैं उन्होंने तो बीजेपी को समर्थन कर ही दिया है, पर बरवाड़ा और उचाणा नारनौंदी ये पता नहीं किस तरह के हलके हैं, तो बरवाड़ा के जो गांव हैं वो बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, बरवाड़ा शहर है वो बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ है। उकलाणा के जो हल्का है वहाँ के बहुत सारे गांव हैं, पहले वो बट्टू में होते थे और बट्टू से जो देवलाल चुनाव लड़ते थे और उनका चुनाव रणजीत सिंह चौटाला संभालते थे, उसमें से उनके रिलेशन है, उन रिलेशन है उकलाणा में, इसीलिए उकलाणा में अगर चौधरी रणजीत सिंह जी की जगह कोई और चुनाव लड़ रहा होता तो उकलाणा में कोई मुकाबला ही नहीं था, वो सारा कांग्रेस को जाना था वोट बैंक, लेकिन उन्होंने उसमें बड़ा हिस्सा तोड़ा है, उकलाणा में मुकाबला है। इसहार की जीत ये नहीं है कि कोई लाख दो लाख की जीत आ रही है, 50,000-60,000 से वहाँ जीत आ रही है, तो मुकाबला है हर जगह पे। वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह एक बार भी जेपी के लिए मैदान में नहीं आए हैं अब तक, एक पंचायत जरूर हुई, मीटिंग तो हुई थी, इतना मान लो आप तय। हाँ, कि अगर वहां से जयप्रकाश जी बहुत बुरी हार होती है उचाणा से, तो आने वाले समय में चोई साहब की राजनीति बड़ी कठिन हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अब जो सीटें हैं टिकटें हैं बहुत ही साइंटिफिकली ये सर्वे वर्वे करा के दे रहे हैं कांग्रेस वाले, तो संकट तो है वहाँ पे, लेकिन मैनेज कर लेंगे, बड़े नेता हैं वो। फिलहाल तो वहाँ पे चोई साहब ने भी जो लोकदल का वर्कर है रणजीत जी ने उनको काफी अपने मनाया है, अपने पास किया है, काफी वोट लेंगे वो, लेकिन जीत तो उचाणा से मुझे जेपी लगता है, उचाणा से जेपी लग रहा है। चलो ठीक है, उचाणा से जेपी होगा, नारनौंद से, नारनौंद की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु वहाँ जैसे जुट गए, नारनौंद में जीत आर जो तय करेगा वो कैप्टन साहब का वोटर करेगा, आज वो राम कुमार गौतम भी डिसाइड कर लेंगे किसको वोट देना है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है नारनौंद में। हाँ, अगर राम कुमार गौतम जी रणजीत जी को सपोर्ट करेंगे तो नारनौंद में फाइट में आ जाएंगे, नहीं तो जो कैप्टन साहब हैं उनके जो वर्कर हैं उन पे उनको भरोसा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कैप्टन साहब जिताएंगे, मतलब कोशिश करेंगे रणजीत जी को जिताने की। ओवरऑल आकलन जैसे आपने बता दिया कि नलवा से बीजेपी आगे, आपका आदमपुर से भी, हिसार से भी, हांसी से भी, उचाणा में, और हम यहाँ नारनौंद में बात करें जेपी थोड़ा मतलब देखो, उचाणा, हाँ, नारनौंद और बरवाड़ा, हाँ, इनमें मुझे लगता है कि जयप्रकाश जी काफी मजबूत हैं, ठीक स्थिति में हैं। ठीक है, हिसार, आसी और आदमपुर, यहाँ लगता है कि चौधरी रणजीत सिंह जी और तीन जो बचे हुए हल्के हैं इनमें कुछ भी हो सकता है, बहुत कम है, लेकिन बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो किसी भी सूरत में हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा जी, उस वोट बैंक को अगर वो जाएगा वहाँ तो फिर चोई साहब काफी फायदा उनको मिलेगा उसका। हाँ देखो, एक तो हल्का कैंडिडेट आप उनको नहीं कह सकते, हल्का नहीं कह सकते, मुकाबला है, और जब 40,000-50,000 की लीड जीत आर की बात हो रही हो तो वहाँ पे आप लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पॉकेट्स को, विधानसभा में की जा सकती हैं, लेकिन चोई साहब मुकाबले में है, अच्छे एज में है, और हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, हम जिस लोगों से बातचीत की है, आप ये कह रहे थे ना कि जो राशन है वो असर है उसका लोगों में है, और दूसरा ऐसा है तो फिर तो 21 सीट नहीं आएगी पर्ची, जो नौकरियां जो मिली है ना, मैं गांव में गया हूँ, गांव में लोग ये कह रहे हैं कि 30 साल में पहली बार परिवार में दो नौकरी आ गई है, ये दलितों में है, ये जाटों में भी है, इसका नहीं, आई कितनी है ये देखो ना आप, एक पूरे
नौकरी का सीधा बता देता हूँ, मैं नौकरी लग गया ना, मेरा पड़ोसी भी उस सरकार को वोट नहीं देगा, और वो जो लग गया वो किसी को नहीं देगा वो वोट वाला दिन उसकी ड्यूटी पता नहीं कितनी लगी पाओगी। नौकरी हरियाणा में कोई आधार नहीं है, अगर नौकरी से चुनाव जीते जाते तो नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला जी कभी नहीं हारते। बिल्कुल, नौकरियों से अगर चुनाव जीते तो दीपेंद्र हुड्डा कभी रोहतक से चुनाव नहीं हारता, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हारता। नौकरी दी कितनी, 10 साल में 1 लाख नौकरी दी है यार, इतनी सी नौकरी है, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। तो नौकरी का फैक्टर ये बीजेपी वाले गिनाते हैं, और नौकरी ये इतना, आप 0.1% भी नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन यूथ को उम्मीद तो रहती है, इतने बड़े यूथ को, कि हमें, आप क्या सोचते हो कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो ये जो अब जिसकी बात चल रही बदल देंगे सिस्टम? बदल ही नहीं सकते आप, जो सिस्टम खड़े हो जाते हैं वो कभी नहीं बदले जाते। ठीक है, ये तो 1 लाख नौकरी हो तो कह रहे हैं कि 5 लाख देंगे हम आते। चलो ओवरऑल क्या लग रहा है आप पूरा हिसाब में बताओ, जेपीएच में या रणजीत चौटाला? मुझे लगता है रणजीत जी अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे निकाल लेंगे चुनाव, सीट निकाल लेंगे आराम से। 40-50 हज़ार वोटों का गैप बढ़ना है एक दूसरे को, मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे। चलो ये था हिसार का आकलन, और बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है धर्मेंद्र भाई ने, हांसी हिसार बरवाड़ा और आदमपुर नलवा, बरवाड़ा को छोड़ दे, इन हलकों में रणजीत चौटाला जी आगे हैं, उचाणा नारनौंद बरवाड़ा में जेपी आगे हैं, यानी कि 3 जगह जेपी बढ़त पे हैं और 6 जगह मतलब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बढ़त पे हैं, बिल्कुल कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन उसके बावजूद भी मुकाबला टफ है, क्योंकि उचाणा और नारनौंद यहाँ से जेपी को कितने बढ़त मिलते हैं और हांसी और हिसार ये रणजीत जी को कितनी बढ़त दिला पा रहे हैं, यही 4 हल्के हैं जो जीत हार तय करेंगे। आपका क्या आकलन है, अपनी राय लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, नमस्कार।